आज हम बनाते हैं बच्चों की फेवरेट डिश और वो है आलू की चिप्स। हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट आलू चिप्स। तो इसके लिए मैंने दो बड़े आलू लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे अच्छे से छील लेंगे। देखिए, हमने अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लिया है। मैंने ये थोड़े बड़े साइज़ के लिए है, आप अगर चाहें तो छोटे छोटे साइज़ के भी आलू ले सकते हैं। और ये जो है हम इसे हटा देंगे। ध्यान रहे कि आलू में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए, तो इसीलिए हम ऐसे वाइट कपड़े से इसे अच्छी तरह से पोंछ लेंगे। इसे ना उबालना है और ना सुखाना है, ये इंस्टेंट है चिप्स, तो इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये एक ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम चिप्स बनाना शुरू करते हैं। ये चिप्स बनाने के लिए मैंने इस तरह की मशीन ली है, अगर आपके पास अलग टाइप की है तो उससे भी आप अच्छी तरह से चिप्स बना सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि चिप्स ज़्यादा मोटे नहीं होने चाहिए, पतले होने चाहिए। तो इस तरह से हम इसे चिप्स को बना लेंगे। बनाते समय ध्यान रहिए कि हाथ को कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, एकदम पतले से अच्छे हो रहे हैं हमारे चिप्स। तो इस तरह से हम सारे चिप्स कर लेंगे। अब हम ये सारे पूरे चिप्स जो है इसमें डाल लेंगे और एक एक करके पूरे चिप्स को हम ड्राई कर लेंगे। ड्राई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए ड्राई कर लेंगे। पहले इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं और एक एक करके इसमें हम रख देते हैं, साफ़ करके रखेंगे। आप चाहे तो एक एक ऐसे चिप्स लेके इसे भी साफ़ कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा पर अच्छे से ड्राई होते हैं। अगर एक एक आलू का चिप्स हमें ड्राई करना थोड़ा सा हार्ड लगे या फिर बोर हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जो मैंने ये तरीका अपनाया है वो भी आप ऐसे भी ड्राई हो सकते हैं। तो इस तरह से हम पूरे चिप्स एकदम ड्राई कर लेंगे और फिर इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए, अच्छे से ड्राई हो चुके हैं आलू के चिप्स। ये हमारे चिप्स जो है अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, वो है इसे अभी अच्छी तरह से फ्राई करना। तो चलिए फ्राई करना शुरू कर देते हैं। एक एक करके हम फ्राई करेंगे और तब तक वो हम बाकी के चिप्स जो है उसी टॉवल पे रखेंगे ताकि अच्छा सा पानी और एक बार जो है वो भी साफ़ हो जाए इस तरह से। तो चलिए हम फ्राई करते हैं। तेल अच्छा सा गर्म हो चुका है, यहाँ पर हम चिप्स डाल के देखेंगे। हाँ, तेल एकदम गर्म हुआ है। यहाँ पे एक बार तेल गर्म करके लेना है और फिर बाद में मीडियम लो फ्लेम पे ही हमें सारे चिप्स जो है फ्राई कर लेने हैं। चिप्स हमारे थोड़े पतले ही चाहिए, अगर थोड़े से मोटे या फिर थोड़े से अगर निकलते हैं तो वो फ्राई होने में या फिर कुरकुरे होने में ज़्यादा वक्त लेता है। अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये जो चिप्स हैं अच्छे से हेल्दी रहते हैं, इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव नहीं रहता है, और जब चाहे जब हमारा मन चाहे तब हम एक या दो आलू से हम चिप्स बना सकते हैं। ये देखिए, हमारे चिप्स अच्छे से बन के रेडी है और एकदम से जैसे मार्केट से ही लाए हैं उसी तरह से बन के तैयार हो रहे हैं। अब बाकी के जो चिप्स हैं वो भी हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। बस दो आलू में बहुत सारे चिप्स बनते हैं और मार्केट में सेम लगाते हैं तो उसमें कितने रहते हैं चिप्स, कुछ ज़्यादा नहीं रहते और बच्चों का पेट भी नहीं भरता है, पेट भरने से मन भी नहीं भरता है उनका। जब भी हमारे चिप्स थोड़े से ब्राउन कलर के दिखेंगे तब हम इसे निकाल के लेंगे। और ऐसे ये देखिए, हमारे आलू चिप्स इतने सारे हो गए हैं, दो आलू में इतने सारे चिप्स बन के रेडी हो चुके हैं, एकदम क्रंची मार्केट जैसे। ये देखिए है ना, एकदम कड़क। ये देखिए है ना, इस तरह से। तो अब चाहे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा नमक मिक्स कर लेंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे इस पर, और एकदम थोड़ा सा हम यहाँ पे नमक डाल देंगे